भी बना हुआ है और ये राइस भी बने हुए हैं। और बाकी आपको चीज़ें पहले दिखाई हैं, अब हम खाएंगे खाना, फिर मारेंगे गप्पे-शप्पे, फिर दोबारा आप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रही है। हाँ, आपको ईद का थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो अच्छा जी, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने करनी है वो ये कि अभी ना काफ़ी ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है, दिन में दो दो दावतें होती हैं। अगर रात आपको पता जैसे कि मेरी तरफ दावत थी सबकी, तो ना अभी बड़ी बिजी रूटीन चल रही, मैं इंस्टाग्राम और जो कॉमेंट्स वगैरह नहीं देख पा रही। तो आज इंशाल्लाह, बल्कि कल हातिफ ने जाना है, तो सामान वगैरह भेजना है मैंने अपनी सिस्टर का, तो कल तक हम इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। सबको इंस्टाग्राम पे रिप्लाईज मिलेंगे, सबको कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। अभी ईद आई है, इसकी वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रही ना मैंने इंस्टा देखा है। और सेकेंडली ये है कि जी अभी आज हम उठे थे, तो आज हमारी माशाल्लाह से दो दावतें हो गई हैं। एक तो मेरे छोटे मामू की तरफ थी रात की, तो लेकिन सुबह नमाज में एक कॉल आई थी कि शाम का खाना आपने हमारे साथ खाना है। तो क्योंकि आज हमारा प्लान है कि हम उनकी तरफ जाएंगे, फिर कल या परसों जो है ना उन्हें अपनी तरफ इनवाइट करके आएंगे। तो अभी जो है हम लोग हुए हैं रेडी नवाज भाई की तरफ जाने के लिए, क्योंकि पहले खाना है नवाज भाई की तरफ। उन्होंने कहा था कि आपने 5 या 6 बजे आना है, तो जो डिनर फैमिली डिनर है वो हमारा 10-11 बजे ज़रा लेट होता है, तो वहाँ से वापसी पर वो हो जाएगा। तो क्योंकि हयाम फातिमा ने हमारे साथ नहीं जाना है, तो मौसम भी बड़ा ख़राब है, तो हयाम का वैसे भी अभी सोने का टाइम है, तो ये घर रहेगी, तो मैंने सोचा पहले इससे मिलवा दूँ आपको। हयाम फातिमा अस्सलाम वालेकुम कर लो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो क्लैपिंग करके दिखाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। अच्छा कुछ मांग रही है पीछे से ये। हाँ जी, तो हयाम फातिमा घर सोती है, हम चलते हैं नवाज भाई की तरफ। रास्ते में से जो है कुछ चीज़ें भी लेनी है उनके लिए, तो आप सबने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो जो है रिप्लाई सबको आएंगे जैसे जैसे सब करेंगे। किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी यूट्यूब के अकाउंट के सिलसिले में कुछ भी, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी आते हैं मैसेजेस वगैरह। तो बाकी ये है कि चलते हैं आप नवाज भाई की तरफ। हयाम फातिमा अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो हयाम फातिमा की तरफ से इधर से हिलाफ गुजार, मैं और सफ़र जा रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह रास्ते में आपसे मुलाकात हमारी दोबारा होगी। आप हयाम का ड्रेस देखें जी, ये जो मैंने ऑनलाइन लिया था बहुत क्यूट लग रहा है। अभी जो ईद पे जूते और कपड़े लिए हैं वो नहीं पहने, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में पहनती रहेगी। और हमें यूट्यूब की तरफ से जी एक रिवॉर्ड भी मिला है, तो लेकिन अभी हम नवाज़ भाई के साथ डिस्कस करेंगे उसको कि वो क्या चीज़ है, उसे अप्लाई करेंगे, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि वो हमें किस वजह से मिला है, कि आपको उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जब हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होती है दोबारा। यहाँ फातिमा बाय बाय कर, बाय 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 शरारती बिल्ली। चलें जी चलिए जी, जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो हम दरिया पे रुके हैं, रुके ना दरिया पे, हालांकि पानी नहीं है फिलहाल, पानी बिल्कुल है किसी किसी टुकड़े पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग दरिया पे आउटिंग के लिए आए हुए हैं। वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, उस साइड में भी बहुत सारे लोग हैं, और उधर अच्छा कश्ती चल रही है आज, वो देखे हाँ जी, वो कश्ती चल रही है, वो देखे कितने ज़्यादा लोग हैं। हाँ लोग ना, हमने थोड़ी सी गाड़ियाँ पुल पर रोकी है, मैंने देखना था पानी कितना था, पानी इतना नहीं, लेकिन आप वो देखें आपको दूर से नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़्यादा लोग दरिया पे ईद की आउटिंग कर रहे हैं, और कश्ती भी चल रही है। तो हमने भी बेकरी से नवाज़ भाई की फ़ैमिली के लिए भी और इजाज़ भाई की फ़ैमिली के लिए भी केक्स ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह अब उनकी तरफ जाके आपसे हमारी मुलाकात होगी। और अच्छा है भी छोटी सी आउटिंग है, लेकिन लोग कर रहे हैं ईद पर और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ। और मौसम आपने जैसे कि देखा बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है और इतनी गर्मी की शिद्दत भी नहीं है। और यहाँ फातिमा सो गई थी, वही सारा पुल क्यों हिला बस की वजह से। हाँ जी चलो आ जाओ, चलो। तो जी आप देखें आगे ना, आपको इस पॉइंट पे दिखाते हैं, जाने दे आगे, ये यहाँ दूर से दिखा रहे थे वो कश्ती चल रही है। अच्छा वैसे कश्ती है मजे की ना, और माशाल्लाह रश कितना देखे। अच्छा ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि चलें जैसी भी इंजॉयमेंट हो, छोटी हो बड़ी हो, लोगों में ये ट्रेंड ज़रूर है कि ईदों पे या फेस्टिवल्स पे जो है ना वो सेलिब्रेट कर लेते हैं अपने सारे। अच्छा यहाँ भी देखें कितना रश है, हम कभी इस पॉइंट पर सफ़र आए ही नहीं। ये देखें फैमिलीज माशाल्लाह सही इंजॉय कर रही हैं, बाइक्स पे आए हुए हैं, गाड़ियों पे आए हुए हैं, पकौड़े शकौड़े भी बड़े बने पड़े हैं।
और क्योंकि आज असल में ना आउटिंग का ये भी है रीजन कि क्योंकि जो है ना मौसम भी अच्छा है और गर्मी की शिद्दत नहीं है, हालांकि दरिया में पानी कम है लेकिन आउटिंग अच्छी है। तो हमारे केक्स पीछे पड़े हुए हैं, तो हमने नवाज भाई की फैमिली का और इजाज़ भाई की फैमिली का दोनों के लिए लिए हैं कि चलिए बच्चे अच्छा है मीठा खाएं। हम ना बड़ा ढूंढ रहे थे ना मेगा मार्ट लगता है कस्टमाइज केक बनाए हुए थे उन्होंने ईद के, हमने वहाँ बड़ी कोशिश की कि हमें कोई बकरा केक के ऊपर बनाओ और ईद मुबारक हो इस टाइप के केक मिले, लेकिन नहीं मिले। फिर हम लोगों ने जो बेकरी पे अवेलेबल थे अच्छे क्रीम केक्स जो ईद के हवाले से बने हुए थे फिर वो ले लिए हैं। तो देखा इधर इतना अच्छा, जगह जगह हर टुकड़े पे लोग ना मतलब अपना कर रहे हैं, लोग टिकटॉक्स भी बना रहे हैं जी, और पानी भी ज्यादा है। हाँ तो चलें जी, अब नवाज भाई के घर आपसे चल के हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। सी यू देयर। मैंगो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बस बैठते हैं, ईद कैसी गुजरी थी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, लेकिन साड़ी एक दिन समय लोग थोड़ी परेशानी बनी है, पहले दिन साडे कपड़े गुम हो गए। हाँ जी, हमारा खाना जो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं चेक कर लूं मैं से डिशेस क्या क्या है। अच्छा ये भाभी की जी फेमस खीर, बहुत अच्छी खीर बनाती हैं, देख दिखा दी। हाँ सैलेड इधर पड़ा हुआ है, मैंगो भी, रोटियां भी। ये क्या चीज़ है नमाज भाई? रबड़ी दूध। अच्छा जी रबड़ी दूध भी आया हुआ है, और इधर जो है ना, अच्छा ये रायता। अभी भाभी मेरा ख्याल सालन वगैरह लेके आएंगे क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं, फिर हाँ दोबारा दिखाते हैं और क्या क्या आ रहा है। मैं कहा चलो आए खड़े हैं। सही हो गया। वो असल से है ना, मैं मिली है शाजिया भाभी और नवाज भाई से भी, तो अभी दरवाजा खुला था तो मैंने कहा आज ना वीडियो में देखते हैं नवाज भाई के, आज पीछे से देखा माशाल्लाह बड़े प्यारा व्यू है नवाज भाई के घर की बैक साइड से भी, और वो बच्चे वहाँ से जा रहे। अच्छा आगे घर होंगे, गाँव मेरा ख्याल उस तरफ है ना वो वहाँ से। हाँ जी पीछे बैक साइड, लेकिन अच्छी है हरा भरा माशाल्लाह सही, और आज मौसम अच्छा फ्रेश भी लग रहा है। तो अभी हम भी नमाज भाई के लॉन में बैठेंगे, लाइबा बैठी हुई है, दरवाजा खुला ही रहे मेरा ख्याल खुला हुआ है। खाने भाभी ने इतनी मेहनत से बनाए जी, मटन भी बना हुआ है और ये राइस भी बने हुए हैं, और बाकी आपको चीज़ें पहले दिखाई हैं। अब हम खाएंगे खाना फिर मारेंगे गप्पे शप्पे, फिर दोबारा आपसे मिला पाते हैं। तो जी माशाल्लाह खाना हमने खा लिया, हम बैठे रहे हैं अंधेरे में, लाइट बहुत हैवी है और ना वो बारिश में आ जाती है ना जो बूंदियाँ सी उड़ के वो बहुत आके ठक ठक लग रही हैं। तभी हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमारी एक और भी दावत है मामू की तरफ की, तो यहाँ फातिमा सोई हुई थी घर अब लेकिन उठी होनी है, तो चल के उसे भी रेडी करना है। तो अब हम बड़े पास हैं कि आप नहीं गए। अच्छा हाँ असल में ये ना सिर्फ गोश्त देखते कि बंदा छापे जाता है, इतना इतना ही खाना होता है सारा। तभी हम जा रहे हैं अभी घर वापस, और अपना आज का ब्लॉग बस यही हम करेंगे, मिलेंगे आपसे कल दोबारा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, देखिए अल्लाह हाफिज़।